मिशन डी ट्रिपल एस बी एप्लीकेशन पे अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो अलग अलग, जैसे कि अभी तो ईएमआरएस का भी स्टार्ट हो चुका है, डीएसएसबी का है, केवीएस का है, एनवीएस का है, ठीक है, एचटेट का है, यूपी के हैं, टीएसटी पीएसटी मैथमेटिक्स के स्क्रीनिंग के एग्जाम्स हैं। तो अलग अलग स्टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो टीएसटी पीएसटी मैथमेटिक्स लेवल पे तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिशन डी ट्रिपल एस बी है, जो कि ओनली मैथमेटिक्स ही जो है हम करवाते हैं, टीएसटी और पीएसटी मैथमेटिक्स लेवल, जो कि 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन एमएससी तक जो है ना हम सारी चीज़ें ये कवर करते हैं। उसके बाद और उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर है, पीडीएफ फाइल्स हैं, टेस्ट सीरीज है, फुल एंड टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन डिटेल्ड के अंदर, ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, और उसके साथ साथ डेली डाउट सेशन रहता है, कोई भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर तो दिख गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको नंबर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो मिशन डी ट्रिपल एस बी एप्लीकेशन के वीडियो सेक्शन में आप जाते हो तो वहां आपको जो है ना, सॉरी, मिशन डीएसएसबी यूट्यूब चैनल के, तो वहां आपको सारी वीडियोस मिल जाती हैं। बट कुछ लोगों की प्रॉब्लम आ रही है कि हमें लगातार नहीं मिलती, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट पे आपने क्लिक करना होता है। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए, ये देखिए टीएसटी पीएसटी मैथ सुपर एमसीक्यू सीरीज, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी की सारी जो है ना वीडियोस यहाँ पे देखिए साइड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही आप मोबाइल के अंदर भी देख सकते हो, ठीक है, लगातार आपको सारी वीडियोस मिल जाती हैं। और मिशन डी ट्रिपल एस बी एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड कर लेते हो तो उसके अंदर ऐसे कुछ आपको कोर्स वगैरह दिखते हैं स्टोर टैब में जाने के बाद, ठीक है, स्टोर पे क्लिक करने के बाद। तो यहाँ हमने ये वाले कोर्स भी लॉन्च कर दिए हैं, यूपी टीएसटी के लिए फास्ट ट्रैक कोर्स, ठीक है, पीएसटी के लिए सिर्फ 999 के अंदर आपको सारा कंटेंट मिलेगा जिसकी वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी। ऐसे ही डी ट्रिपल एस बी का भी फास्ट ट्रैक का कोर्स है, और कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी ले सकता है, ठीक है। कोर्स के अंदर जाते हो, कंटेंट में जाते हो तो सारा कंटेंट जो है ना आपको देखने को मिलता है यहाँ देखिए, ठीक है, ग्रेजुएशन का भी है, प्लस वन प्लस टू के भी है, ठीक है, सारे के सारे वीडियो लेक्चर भी हैं, ऑल स्टेट्स इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो अभी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए मिशन डी ट्रिपल एस बी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे दिया होता है, एंड्रॉइड के लिए भी, आईफोन के लिए भी, या डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो मिशन डी ट्रिपल एस बी, ठीक है। और हमारा मोबाइल नंबर भी दिया होता है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो इस मोबाइल नंबर पे आप ले सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? तो जो आज हमारा जो है ना वो है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, ये काफ़ी बार हमने क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ये देखिए पीजीटी टायर टू जे डी डी, इसका मतलब है डी ट्रिपल एस बी के अंदर, ये 2015 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, और यूपी टीजीटी के अंदर भी 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट हो गया ना क्वेश्चन। तो यहाँ उसने एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल दिया हुआ है, एन ग्रेटर देन टू है। एक तो मेथड ये है, एन ग्रेटर देन टू है, एन इज इक्वल टू 3, 4, 5 पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, इसको ही डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हो। आप देखिए इसके अंदर क्या लगा हुआ, लॉग एन ओ टू। अब आपको ये चीज़ पता है, जब ऐसा होता है लॉग ए बी, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, लॉग बी अपॉन लॉग ए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं देखूं तो ये नीचे आ जाएगा लॉग एन, और ऊपर क्या चला जाएगा लॉग टू, क्योंकि वन अपॉन में पहले से ही है, तो ऐसे ही नीचे ए ऊपर आ जाएगा लॉग थ्री अपॉन में लॉग एन, ठीक है। ऐसे ही अप टू सो ऑन आ जाएगा मेरा लॉग एन अपॉन में लॉग एन, ठीक है। अब नीचे लॉग एन लॉग एन लॉग एन सभी में कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेंगे लॉग एन, और ऊपर यहाँ देखिए मेरे पास क्या आ गया, लॉग टू प्लस लॉग थ्री प्लस लॉग एन। अब आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता है क्या होती है, लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है मेरे पास, लॉग एम एन। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या होगा, सारा मैं कंबाइन कर दूंगा, लॉग टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू सो ऑन अप टू एन। तो अब आपको पता है 2, 3, 4 सो ऑन अप टू एन है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा टोटल क्या हो गया, एन ही तो हो गया, एन फैक्टोरियल क्या होता है मेरा, अगर मैं देखूं एन फैक्टोरियल क्या होता है, यही तो होता है 1 × 2 × 3 × 4 × up to so on n तक। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऊपर क्या आ गया लॉग एन, और नीचे क्या आ गया लॉग एन, एन इज इक्वल टू ऊपर क्या आ गया लॉग एन फैक्टोरियल, ठीक है, एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो ऊपर मेरा क्या आ गया लॉग
एन अपॉन में नीचे भी क्या आ गया लॉग एन, तो दोनों कट के आंसर क्या आ जाएगा मेरा वन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉग टेन इनवर्स वन, लॉग टेन इनवर्स टू अप टू सो ऑन, लॉग टेन इनवर्स 89। तो ये भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ 2015 में डी ट्रिपल एस बी के अंदर, ठीक है ना, ये डी ट्रिपल एस बी का पेपर से क्वेश्चन लिया गया। तो यहाँ देखिए लॉग एम प्लस लॉग एन आपको पता है प्रॉपर्टी, मैंने अभी बताया लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू क्या होता है लॉग एम एन, समझ गए बात को। तो यहाँ से वन को इसके साथ लेकर के जाएंगे तो क्या आ जाएगा लॉग टेन वन डिग्री और यहाँ आ जाएगा टेन 89 डिग्री। तो 1 डिग्री और 89 डिग्री कट के 1 हो जाएगा। आप बोलोगे ये कैसे, तो यहाँ पे लॉग आएगा लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लॉग 10 1 डिग्री को चेंज कर लो या 89 को मैं क्या लिखता हूँ लॉग 1 डिग्री, सॉरी कोट 1 डिग्री, क्योंकि 90 में से माइनस होगा तो 10 का कोट बन जाएगा। तो ये कोट और 10 क्या हो गए कट हो गए, तो लॉग 1 आया। लॉग 1 क्या होता है जीरो, ठीक है। और ये भी याद रखना लॉग जो जीरो होता है ना वो होता है माइनस इन्फिनिटी, काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये आ गया वन, ऐसे ही 2 डिग्री के साथ जो यहाँ पे प्लस 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 लगा हुआ है 88 डिग्री वन बन जाएगा, सॉरी लॉग वन बन जाएगा, जीरो बन जाएगा फिर से, और बीच में एक टर्म जो है ना मेरी रह जाएगी 45 डिग्री वाली, लॉग 10 45 डिग्री फिर से वन होता है, तो लॉग वन फिर से जीरो हो जाएगा। तो सारे को एडिशन करने के बाद मेरा आंसर क्या आएगा जीरो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सपेंशन ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स बाय मैक्लॉरियन थ्योरम इज, मैक्लॉरियन थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी एक्सपेंशन क्या होगी। तो यहाँ पे मैक्लॉरियन थ्योरम क्या होती है, जैसे के इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी तक एफ के जीरो अपॉन में के का फैक्टोरियल, आप एन भी ले सकते हो, ठीक है, मैं एन ले लेता हूँ ताकि आपको जो है ना थोड़ा सा बढ़िया लगेगा क्योंकि आप उससे फैमिलियर भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं एफ की पावर एन जीरो एन फैक्टोरियल एक्स माइनस जीरो की पावर एन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स माइनस जीरो लिखने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, तो सीधा क्या होगा मेरा एक्स की पावर एन, ठीक है। अब इसको जब मैं ओपन करता हूँ, जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर जीरो को पुट करोगे तो एक्स की पावर जीरो तो वन ही आ जाएगा, एक्स की पावर जीरो इंटू एफ जीरो और जीरो, एफ जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये तो वन ही हो जाएगा, वन अपॉन में जीरो का फैक्टोरियल भी वन हो जाएगा, तो ये तो वन ही होगा स्टार्टिंग में, ठीक है ना, आप याद ही रख लो। तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, ये आपको पेपर के अंदर ध्यान में ही रखनी है। वन प्लस नेक्स्ट अब स्टार्ट होगी एक्स की पावर वन इंटू में ये एफ की पावर जो एन है ना, ये पावर एन मतलब ये जो है उसका डेरिवेटिव है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना उसका डेरिवेटिव डिनोट करता, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश अपॉन में एन फैक्टोरियल मतलब वन का फैक्टोरियल, ऐसे ही एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश जीरो अपॉन में टू का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन चलता जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये देखा, अब जो भी अभी तक मैंने आपको करवाया ये आपका बेसिक्स था, ठीक है। कुछ लोग कई बार ना क्या बोलते हैं कि सर ये तो आपने करवाया नहीं, तो देखो मैथ के अंदर ना कभी भी सारी थ्योरी नहीं करवाई जाती, क्वेश्चन के अंदर थ्योरी कवर कराई जाती है। तो अगर जो भी थ्योरी मैं आपको क्वेश्चन के अंदर कवर करा रहा हूँ वो अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, कि ये थ्योरी का एक पार्ट है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं क्वेश्चन के अंदर ही आपको करवाने वाला हूँ जो मैंने थ्योरी के अंदर कवर नहीं कराई। अगर करवा देता तो फिर भी आप अब आपको इम्प्लीमेंटेशन करना नहीं आता, तो इसीलिए टाइम वहाँ भी लगाते हम दोबारा भी लगाते, तो इसीलिए टाइम की बचत करनी होती है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको करवाया, ठीक है ना। ई की पावर एक्स, तो यहाँ पे सबसे पहला तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और समझ लेना कि यहाँ पे जो n इक्वल टू जीरो पुट किया, f की पावर जीरो आ गया, जीरो का मतलब ये है एक बार भी डेरिवेटिव नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे जब मैंने n इक्वल टू जीरो पुट किया x की पावर जीरो तो किसी की पावर जीरो तो वन हो जाता है, यहाँ पे जीरो का फैक्टोरियल वन हो जाएगा, f जीरो जीरो मतलब f जीरो आ जाएगा, मतलब एक बार भी डेरिवेटिव नहीं करना, ठीक है। तो अब जो मेरा मकसद है वो क्या निकालना है, f जीरो, f जीरो, f मेरा फंक्शन e की पावर x, e की पावर जीरो वन होता है, वन प्लस e की पावर जीरो वन, तो वन बाय टू आ गया, यहाँ पे आ गया वन बाय टू, प्लस x इंटू में क्या है f डैश x, तो पहले f डैश निकालेंगे, f डैश x
इसका डेरिवेटिव करेंगे e की पावर x अपॉन 1 प्लस, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, u अपॉन v करेंगे तो 1 प्लस e की पावर x सारे का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस e की पावर x एज इट इज, e की पावर x का e की पावर x माइनस e की पावर x एज इट इज और 1 प्लस e की पावर x का e की पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा e की पावर x माइनस प्लस e की पावर x टू टाइम, सॉरी स्क्वायर हो जाएगा इसका, माइनस e की पावर x का स्क्वायर, तो ये कट हो जाएगा, e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x सारे का स्क्वायर बनेगा। उसको जब मैं अब हम पुट करेंगे, मैं नीचे कर लेता हूँ, f डैश जीरो जब मैं पुट करता हूँ तो यहाँ पे फिर से मैं क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो 1 बाय 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1 बाय 4, ऐसे ही नेक्स्ट में जब आप करोगे तो आएगा मेरे पास, जब आप नेक्स्ट करोगे तो माइनस का बनेगा मेरे पास 1/48 एक्स का क्यूब, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी, आप देख लेना, तो क्यूब वाली बचेगी। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट ही करेक्ट हो रहा है, 1/2 प्लस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1/48 इंटू सॉरी एक्स का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x की पावर 4 माइनस 3 x की पावर क्यूब है का x माइनस 2 के घातों के प्रसार में तीसरा पद है, मतलब कि घातों के प्रसार में जो इसकी जो पावर्स है उसको अगर हम जो है ना उसका एक्सपेंशन करें, उसकी एक्सपेंशन को ओपन करें तो तीसरा पद मतलब कि थर्ड टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, थर्ड टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर तो इस टाइप से कोई क्वेश्चन होता a माइनस बी या a प्लस बी या कुछ भी पावर n होती तो हम थर्ड टर्म आपको पता ही है t3 निकालते हैं, तो t2 प्लस 1 हो जाता है, मतलब ये t r प्लस 1 होता है, n c r a की पावर n माइनस r और b की पावर r, ठीक है ना, इस टाइप से हम निकालते, बट यहाँ पे कुछ अलग ही दिया हुआ है तो इसके इसको निकालने का क्या होता है, और x माइनस 2 के फॉर्म में निकालना है तो x माइनस 2 की फॉर्म में निकालना है, अगर मैं 2 को ऐड कर दूं तो ये एफ एक्स ही बन जाएगा, ठीक है ना। इसको अब मैं एक्सपांड करता हूं तो यहां पे मेरे पास होता क्या है, एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है एफ ए इंटू बी की पावर 0 प्लस एफ डैश ए इंटू बी की पावर 1 बाय 1 का फैक्टोरियल, f डबल डैश a b b का स्क्वायर अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, अप टू सोन चलता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा मेरे पास, f a ये है f b ये है, तो इसको हम जो है इसके अकॉर्डिंग जो है ना इस एक्सपेंशन को ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पे f a मतलब f2, ठीक है, उसके बाद b की पावर 0, किसी की पावर 0 करोगे तो वो 1 ही हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद है f डैश a, ठीक है, f डैश a मतलब f फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव, a मतलब 2 है बीच में, और इंटू में क्या है b की पावर 1 मतलब x माइनस 2 की पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, लिखने का कोई वो नहीं है, यहाँ पे नीचे 0 का फैक्टोरियल है, यहाँ पे नीचे 1 का फैक्टोरियल है, और नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा मेरा f डैश डबल डैश 2 इंटू में एक्स माइनस 2 का पावर 2 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, ऐसे सोवन चलता जाएगा। तो आप एग्ज़ाम के अंदर बैठे हो तो हमें पता है, हमें उसने क्या बोला हुआ, तीसरा पद मतलब थर्ड टर्म मेरी ये वाली बन रही है, ये वाली, तो आंसर मुझे यही निकालना था। अब आप एग्ज़ाम में बैठे हो तो इस क्वेश्चन को देखना था और डायरेक्ट यही आपने लाइन लिखनी थी, माइंड के अंदर ये सारी चीज़ें माइंड के अंदर सोचनी थी, ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज आपको माइंड के अंदर ये वाला देख के ये वाला सोच के और यही एक लाइन लिखनी थी थर्ड टर्म उसकी क्या आने वाली है, ठीक है। एफ डबल डैश कैसे निकालोगे इसका जो है यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, और मेरे नीचे एफ डैश निकालोगे तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 4x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स जब मैं निकालूंगा तो 12x स्क्वायर माइनस 18x, और एफ डबल डैश 2 पुट करूंगा तो 2 × 4 = 48 माइनस 36, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 12, तो ये इसका मेरा आंसर क्या आया, 12 इंटू
एक्स माइनस टू का स्क्वेयर अपॉन में टू का फैक्टोरियल टू ही हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो सिक्स आ जाएगा, तो सिक्स इंटू एक्स माइनस टू सारे का स्क्वेयर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूँ फोर्थ का, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द सीरीज वन स्क्वेयर इंटू टू का स्क्वेयर अपॉन में वन का फैक्टोरियल, टू का स्क्वेयर इंटू थ्री का स्क्वेयर अपॉन में टू का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, क्या आएगा इसका जो है ना एडिशन क्या आने वाला है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, काफ़ी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपल से देखने की बात है, यहाँ वन है यहाँ टू है, मतलब यहाँ अगर मैं एन मान लेता हूँ, वन टू थ्री फोर एन है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एन मान लेता हूँ तो एन का स्केयर हो रहा है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म एन में से वन प्लस होके उसका स्केयर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे वन पुट करोगे तो ये टर्म आ जाएगी, टू पुट करोगे टू और थ्री, थ्री पुट करोगे थ्री और फोर, नीचे क्या है वन टू थ्री, मतलब डायरेक्ट एन का सीधा फैक्टोरियल हो रहा है, समझ रहे हो बात को। इसका क्या है समेशन हो रहा है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे एन इज इक्वल टू वन से लेकर के इन्फिनिटी तक, यहाँ पे ये आपको पहले बनाना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो अब हमें क्या करना है, एन स्केयर है यहाँ पे, एन स्केयर फिर से बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो एन की पावर फोर हो जाएगा, और या इसको आप खोल दो, ठीक है, खोल दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एन स्केयर इंटू में एन स्केयर प्लस वन प्लस टू एन अपॉन में एन फैक्टोरियल, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा एन की पावर फोर अपॉन में एन फैक्टोरियल, मैंने सारा अलग अलग कर दिया, समेशन एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी, ये आप लगा लेना, एग्जाम में बैठे हो तो जरूरत नहीं होती, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा टू टाइम एन का क्यूब अपॉन में एन फैक्टोरियल, प्लस में क्या आ जाएगा वन टाइम एन स्क्वायर अपॉन में एन फैक्टोरियल, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब हम देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, वैसे मुझे तो पता है, मुझे तो सिर्फ आगे नेक्स्ट आंसर देना और आगे बढ़ जाना है, बट आपको मैं आपको ब्रीफ के अंदर करवा देता हूँ, उसके बाद आपको भी ध्यान ही रखना है एन की पावर फोर का समेशन क्या होता है। देखिए एन की पावर फोर को अगर मैं ओपन करता हूँ, ए नोट प्लस ए वन एन प्लस ए टू एन इंटू एन माइनस वन प्लस ए थ्री एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू प्लस ए फोर एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री, ठीक है, ये पूरी एक्सपेंशन इसकी खुलती है। अब यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू कहाँ से क्या पुट करना है, तो इस समेशन को जो है ना सबसे पहले हम निकालने की कोशिश करते हैं ए नोट, ठीक है, बाकी n है सभी जगह, ठीक है ना, n सभी जगह है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू मैं जीरो पुट करता हूँ तो यहाँ पे ए नोट इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, क्योंकि n इज इक्वल टू जीरो पुट करूँ ये वाला क्या हो जाएगा जीरो, ये जीरो, ये जीरो, जहाँ जहाँ भी n है वहाँ वहाँ सारे जीरो, यहाँ पे n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, n है, ठीक है, n अलग से पड़ा हुआ है, सारे जीरो हो गए, तो ए नोट आ गया जीरो। एन इज इक्वल टू जब मैं वन पुट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे देखो क्या आ गया, एन इज इक्वल टू वन पुट करूँगा तो वन की पावर फोर, वन की पावर फोर इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू ये वाला मेरी टर्म आ जाएगी ए वन, ए नोट तो पहले ही जीरो हम कर चुके हैं, यहाँ पे वन माइनस वन जीरो, यहाँ पे वन माइनस वन जीरो, यहाँ पे वन माइनस वन जीरो, तो ए वन की वैल्यू क्या आ गई वन, ए नोट की वैल्यू आ गई, ए वन की वैल्यू आ गई। एन इज इक्वल टू टू पुट करता हूँ तो टू की पावर फोर हो गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना मेरा टू पुट करूँगा तो टू ए, टू ए वन, टू ए वन मतलब टू ही होगा, टू इंटू वन हो गया क्योंकि ए वन की वैल्यू वन है, यहाँ पुट करूँगा तो टू इंटू टू माइनस वन टू ही हो गया, टू ए टू हो गया, बाकी यहाँ टू माइनस टू जीरो, टू माइनस टू जीरो, यहाँ पे दो दिन चार दिन आठ दिन सोलह, दो इधर जाके माइनस का क्या हो जाएगा चौदह, चौदह बटे दो इज इक्वल टू ए टू, तो ए टू की वैल्यू कितनी आ गई सेवन, ठीक है। ऐसे ही आप जब एन इज इक्वल टू थ्री पुट कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ए थ्री की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी सिक्स, ऐसे ही एन इज इक्वल टू जब मैं फोर पुट कर दूंगा तो ए फोर की जो है मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी वन, तो ये मेरी टोटल वैल्यूज आई। तो यहाँ पे देखिए एन की पावर फोर, तो मैं बोलूँगा फोर या फाइव तक पहले से अपने निकाल के रखो, अपनी कॉपी में राइट डाउन करके रखो, कभी भी एग्जाम में ये चीज़ आ जाती है एन की पावर फोर, याद रखो उसकी वैल्यू क्या आएगी। अब हम निकालने वाले हैं इसकी वैल्यू, इसमें सारे में जब समेशन में हम डालेंगे एडिशन करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा जीरो प्लस वन प्लस सेवन प्लस सिक्स प्लस वन, ठीक है, क्या आ गया फिफ्टीन, तो टोटल आया फिफ्टीन अपॉन में वन बाई एन का फैक्टोरियल है, ठीक है,
तो उसे हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है समेशन ऑफ e की पावर x क्या होता है मेरे पास, सॉरी ये होता ना मेरे पास n इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी, जब मैं लेता हूँ x की पावर n अपॉन में n का फैक्टोरियल, तो 1 अपॉन जीरो का फैक्टोरियल होता है, x अपॉन 1 का फैक्टोरियल होता है, और अप टू सो ऑन 1 बाई n का फैक्टोरियल होता है। तो उसे हम क्या लिखते हैं, e ही लिखते हैं, e की पावर x, ठीक है, जो x टाइम में होता है। अगर मैं x को 1 मान लूँ, x को 1 मान लूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 जीरो का फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन 1 बाई n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू e की पावर 1 हो जाएगा, मतलब e ही हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ऊपर देखिए 1 बाई में n का फैक्टोरियल का समेशन हो रहा है, ठीक है ना, वही चीज़ आ रही है जीरो से लेकर के n तक। अब आप एक चीज़ ये माइंड के अंदर कन्फ्यूजन हो सकता है आपके कि यहाँ देखिए प्लस अप टू इन्फिनिटी है, तो उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी माइनस कर सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू जीरो से भी ले लेंगे तो कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। कई सोच रहे होंगे कि जीरो से नहीं लिया हुआ, तो e आ जाएगा, मतलब 1 बाई n फैक्टोरियल का n की पावर 4 अपॉन में n फैक्टोरियल, इसका तो 1 बाई n फैक्टोरियल का e है और n की पावर 4 का 15 आ चुका है। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा इसका, अगर मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ठीक है, तो इसका आ जाएगा n की पावर 4 अपॉन n फैक्टोरियल प्लस 2 टाइम n की पावर क्यूब अपॉन n फैक्टोरियल प्लस n स्क्वायर बाई n फैक्टोरियल। तो इसका मेरा क्या आ गया, 15e। तो मैं समझ रहे हो, ऐसे ही n क्यूब अपॉन n फैक्टोरियल करोगे, क्यूब का आप देख लो क्योंकि यहाँ पे हमने निकाला ही हुआ है, 6 और 7 13 1 14 14/2 क्या आ जाएगा, सॉरी क्यूब का जो है ना अलग निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो a की पावर 4 भी साथ में था, इसीलिए ये हमने देखा, तो यहाँ से नहीं देख सकते, क्यूब का मैं अलग से निकालूंगा। तो जब हमने सिर्फ ये 3 टर्म लेनी है उसके अकॉर्डिंग निकलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग निकलेगा फिर से ये जो मेरा 5e हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में n फैक्टोरियल, n स्क्वायर का निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा 2e, ठीक है। तो यहाँ पे 15 और 10 25 और 2 27 27e मेरा क्या आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द सीरीज 1/2x² 2/3x³ 3/4x⁴ अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, जहाँ पे मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1 है, तो इसका एडिशन क्या आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1/2 है, ठीक है, इसको हम 1 - 1/2 लिख सकते हैं क्योंकि 1 - 1/2 1/2 ही होता है, 2/3 है 1 - 1/3 लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे चेंज कर लेंगे इस सीरीज को, 1 - 1/2 x² + 1 - 1/3 x³ + 1 - 1/4 x⁴ अप टू सो ऑन। तो यहाँ से पहला क्या निकल आएगा मेरा, एक्स स्क्वेयर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब को इससे करेंगे, एक्स की पावर 4 को इससे करेंगे, तो x² + x³ + x⁴ अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। दूसरा मेरा माइनस के अंदर क्या निकलेगा, यहाँ पे -1/2 x² है, ठीक है, ऐसे ही -1/3 x³ है, -1/4 x⁴ है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, प्लस का ही ले रहा हूँ, अंदर में ले रहा हूँ, -x² / 2 - x³/3 - x⁴/4 up to so on infinity। अब यहाँ आप ध्यान देंगे कि x की पावर स्क्वेयर क्यूब का पावर 4 GP सीरीज बन रही है, ठीक है ना, इसको इससे डिवाइड करेंगे, कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी मेरा क्या बन रहा है, GP सीरीज तो नहीं बन रही, log के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा बन रहा है। log का मैं आपको बता देता हूँ कि log 1 + x और log 1 - x क्या क्या होता है, log 1 + x जो होता है मेरे पास होता है x - x² / 2 + x³/3 - x⁴/4, और ये जो log 1 - x होता है ना, वो मेरे पास सारा माइनस के अंदर होता है, -x - x² / 2 - x³/3 - x⁴/4 up to so on infinity होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो log की प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ log की एक प्रॉपर्टी लग रही है, अब सारे माइनस के,
समझ रहे हो बात को, सारे माइनस किया तो लॉग वन माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगेगी माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, यहाँ देखिए माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री, यहाँ कमी है तो सिर्फ किसकी कमी है माइनस एक्स की, और प्लस एक्स मैंने वहाँ ऐड कर दिया और माइनस एक्स अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। ये सारा का सारा मिलकर के क्या बन गया, और ऊपर वाला सारा जीपी सीरीज है, जीपी सीरीज का एस इन्फिनिटी का आपको पता है जीपी सीरीज का सम का फॉर्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर। ए मेरा फर्स्ट टर्म होगी एक्स स्क्र, आर मेरा कॉमन रेशियो हो गया एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्र से तो एक्स आ जाएगा, तो इसका मेरा क्या बन गया एक्स स्क्र अपॉन वन माइनस एक्स, ठीक है ना। आर मेरा क्या हो गया कॉमन रेशियो, आर इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्र, तो क्या बन गया एक्स ही। प्लस में ये मेरा क्या आ गया लॉग वन माइनस एक्स, ठीक है। प्लस में लास्ट में जो मैंने एक्स रखा था वो आ गया एक्स, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, ये वाला और ये वाला एक्स, और ये वाला मेरा एज इट इज पड़ा रहेगा लॉग वन माइनस एक्स, ठीक है ना। पेन में कलर चेंज कर लेता हूँ। प्लस में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वन माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। ये तो मेरा एज इट इज आ गया, और इधर मैं कर दूंगा एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्र अपोन में वन माइनस एक्स, ऊपर ये कट गया एक्स अपोन वन माइनस एक्स आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया एक्स अपोन वन माइनस एक्स प्लस लोग वन माइनस एक्स, ठीक है, समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सपेंशन बाय मैक्लोरियंस थ्योरम ऑफ ई की पावर एक्स इंटू कोस एक्स। अभी मैंने आपको मैक्लोरियन थ्योरम का बताया था सारा कंसेप्ट, ठीक है, तो वही कंसेप्ट हमने इसके अंदर लगाना है। मैक्लोरिन थ्योरम का कंसेप्ट क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा एफ जीरो प्लस एक्स इंटू एफ डैश मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो अप टू सोन चलता जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब कुछ अलग अलग निकाल लेंगे उसके बाद इसके अंदर पुट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं एफ जीरो निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरी जो फंक्शन दिया हुआ है ई की पावर एक्स, ई की पावर जीरो वन होता है, कोस जीरो भी वन होता है तो वन आ गया। उसके बाद एफ डैश जीरो, तो सबसे पहले उनका फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव निकालूंगा तो ई की पावर एक्स एज इट इज कोस एक्स का क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, और कोस एक्स एज इट इज ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। तो इसके अंदर जब मैं जीरो पुट करता हूँ e की पावर जीरो वन तो साइन जीरो के पुट करेंगे जीरो तो जीरो हो जाएगा टोटल, और यहाँ पे आ जाएगा वन, तो यहाँ भी मेरा क्या आ गया वन। तो यहाँ पुट करेंगे तो वन प्लस वन इंटू एक्स मतलब एक्स, ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो भी आएगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अंदाज़ा भी लगा सकते हैं माइनस एक्स माइनस आए, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो आने से रहा, वन प्लस एक्स वाला ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन नंबर या तो बी करेक्ट हो सकता है या डी करेक्ट हो सकता है। अब हमने नेक्स्ट टर्म निकालनी है फिर हमें एग्जैक्ट पता चलेगा। एफ डबल डैश एक्स में पहले निकाल रहा हूँ, यहाँ भी आप एक्स ही लिख दीजिए एक बार। तो डबल डैश इसका मैं फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव किया हुआ है, सेकंड टर्म डेरिवेटिव निकाल देता हूँ, माइनस ई की पावर एक्स एच डी साइन एक्स का क्या आ जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स एच डी, ठीक है, और माइनस ई की पावर एक्स का माइनस ई की पावर एक्स प्लस इसका फिर से कोस एक्स इंटू ई की पावर एक्स, फिर से मेरा एफ डैश एक्स जो मैंने निकाला था वही चीज़ हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि cos x इंटू e की पावर x ही है, तो उसका फिर से मेरा यही सारा आ जाएगा माइनस e की पावर x इंटू में sin x प्लस cos x इंटू में e की पावर x, ठीक है। अब जो है मैं इसके अंदर जीरो पुट करता हूँ तो यहाँ cos 0 वन e की पावर 0 वन माइनस का हो गया और ये जीरो हो गया और यहाँ पे हो गया मेरा ये भी जीरो हो गया तो ये आ गया वन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आ गया माइनस वन और यहाँ पे आ गया मेरा प्लस का वन तो जीरो हो गया। तो मतलब स्केयर की टर्म तो आएगी नहीं, स्केयर की टर्म नहीं आएगी तो पावर क्यूब की टर्म आ सकती है, है ना। तो यहाँ पे माइनस का है यहाँ पे प्लस का है, क्यूब की टर्म देख लेते हैं। तो ऐसे ही आप जब निकालोगे थर्ड टाइम इसका डेरिवेटिव क्यूब की टर्म तो वो मेरी आ जाएगी माइनस फोर इंटू एक्स की पावर फोर अपॉन फोर का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मेरा क्या करेक्ट हो जाएगा, बी। यहाँ देखिए माइनस का टू की पावर टू है मतलब फोर क्या होता है टू की पावर टू, एक्स की पावर फोर अपॉन फोर का फैक्टोरियल माइनस का आ जाएगा और यहाँ पे क्या है प्लस का है, तो इसीलिए ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन बाय टू इंटू वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री माइनस वन बाय फोर इंटू वन बाय टू का स्क्वायर प्लस वन बाय थ्री का ये अप टू सो ऑन जो है यहाँ पे, यहाँ पे हम हीट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगा सकते क्योंकि अप टू इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पे लॉग वाली टर्म के अंदर आया हुआ, तो हमें एग्जैक्ट ये क्वेश्चन निकाल करके ही देखना पड़ेगा,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1/2 × 1/2 लगा देंगे, माइनस वन, इस इन सभी को अलग अलग करेंगे एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1/2 × 1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा -1/4 × 1/2 का स्क्वायर, ठीक है ना, 1/6 × 1/2 का क्यूब आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा सो ऑन। और नेक्स्ट वाला देखिए 1/2 मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, या 1/3 का स्क्वायर से, ठीक है ना, -1/4 मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट मेरा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1/2 × 1/3 -1/4 × 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, 1/6 × 1/3 की पावर 3 अप टू सो इन्फिनिटी आ गया, ठीक है, समझ गए बात को। अब आपको मैंने एक चीज़ कराई थी लॉग वाला, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, ठीक है। लॉग वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यहाँ आप देखिए कि लॉग 1+x जो है x − x² / 2+x³³/3x⁴/4, इस टाइप से मैं दोबारा से भी लिख देता हूँ ताकि आपको जो है ना क्लियरिटी आ जाए। वन प्लस एक्स और 1 − x का, तो यहाँ पे होता है मेरे पास x − x² / 2+x³³/3 − x⁴/4 up to so on infinity, और यहाँ पे होता है मेरे पास, ये सारे माइनस के हो जाते हैं, −x² / 2 − x³³/3 up to so on infinity। तो यहाँ देखिए कोई फॉर्मूला लग रहा है, बिल्कुल यहाँ पे 1/2 है, ठीक है, और 1/2 का स्क्वायर है, 1/2 का क्यूब है, इसका मतलब क्या हो रहा है, और ये माइनस का है प्लस का है, इसका मतलब ये वाला लग रहा है लॉग 1+e वाला, x मेरा 1/2 है, अगर मैं यहाँ पे x को 1/2 मान लूँ, x = 1/2, तो ये फॉर्मूला मेरा बन रहा है, तो मेरा ये वाला जो मेरा आ जाएगा 1/2, इसमें से मेरा कॉमन आ जाएगा बाहर, तो अंदर मेरा जो बचेगा 1/2, और 1/2 यहाँ से चला गया, तो −1/2 ² / 2, यही आ रहा है, यहाँ पे 1/3 बचेगा, और 1/2 का क्यूब मतलब x का क्यूब 3, इस टाइप से चल रहा है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, log 1+x, 1+x मतलब 1+x मेरा क्या है 1/2, ठीक है, आया समझ में। ऐसे ही मेरा सेकंड देखिए 1/2 अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ तो 1/3, अब यहाँ पे x को मैं 1/3 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, x = क्या है 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का क्यूब, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, वहाँ पे 1/2 क्योंकि 1/2 बाहर चला जाएगा, तो इसी के अंदर ही मैं 1/2 बाहर कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 1+1/3, ठीक है ना, यही फॉर्मूला मेरा यूज हो गया लॉग 1+x का। तो अंदर मेरा क्या बचा, log m + log n, तो मैं दोबारा से फिर इसको लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास log 3/2 + log 4/3, log m + log n का क्या होता है log mn, तो यहाँ पे हो जाएगा log 3/2 × 4/3, ये कट जाएगा, तो 2/1/2 log 2 मेरा आंसर आया। ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूँ तो सी करेक्ट है। अब आप बोलोगे सी कैसे, तो log के बाहर 1/2 है तो वो क्या चला जाएगा, अंदर 2 की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना, अंदर जाके, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log√2, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, m − n / m+1 + 1/3 m − n / m+n सारे का क्यूब +1/5 × m − n / m+n सारे की पावर 5 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, ये मेरा क्या आने वाला है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी वही लॉग वाला ही यूज होगा, तो अगर हम ऐसा ले लें log 1 − x / 1+x, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log 1 − x − log 1+x, क्यों, क्योंकि आपको पता है log m / n जो प्रॉपर्टी होती है log m − log n होती है, ठीक है। अब इसका हमें एक्सपेंशन पता है, इसका पता है, दोनों को ओपन कर देंगे, इसका है −x − x²/2 − x³/3 up to so on infinity, ऐसे ही इसका जो एक्सपेंशन है −x − x²/2 + x³/3 − x⁴/4 up to so on infinity, ठीक है।
इन दोनों में से जो कटता है वो काट दो, जो रहेगा वो रहेगा माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स क्यूब अपॉन में थ्री माइनस टू टाइम एक्स की पावर फाइव बाय फाइव मेरा रह गया, ठीक है ना। माइनस एक्स है यहाँ, माइनस एक्स है माइनस टू एक्स हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू कट गया, माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस है तो माइनस टू टाइम आ गया। ऐसे ही ओड टर्म मेरी चलती जाएंगी, पावर वन वाली, पावर थ्री वाली, पावर फाइव वाली, है ना, सारी की सारी वो टू टू टाइम होता जाएगा। समझ में आ गया, टू टू टाइम होता जाएगा। तो यहाँ पे हम बाहर माइनस का टू कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर मेरा क्या आ गया एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस एक्स की पावर फाइव बाय फाइव अप टू सो। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन देखिए, एम माइनस एन एम प्लस एन ये क्या है, एक प्रकार से इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ लेट इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x क्यूब बाय थ्री, यहाँ पे देखिए x क्यूब बाय थ्री, x की पावर फाइव बाय फाइव, यहाँ देखिए x की पावर फाइव बाय फाइव, अप टू सोन इन्फिनिटी अप टू सोन। सिर्फ माइनस टू का ही डिफरेंस रह गया, बाकी सारा का सारा सेम आ गया। ये आया किसके इक्वल, ये आया लॉग वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स के इक्वल। समझ गए बात को। तो नेक्स्ट टाइम आपको ये दोनों तो याद रखने ही है, लॉग ये वाला तो मतलब लॉग वन प्लस एक्स और लॉग वन माइनस एक्स, थर्ड आपको ये भी ध्यान में रखना है लॉग वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स क्या होगा। तो अगर आप एग्जाम में बैठे तो इतना सारा करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपने डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रखना है, माइनस टू टाइम एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस एक्स की पावर फाइव बाय फाइव अप टू सो ऑन, ताकि आपको डायरेक्ट यहाँ देखते ही पता चल जाए उसने क्या गड़बड़ की हुई है, एक्स एक्स क्यूब बाय थ्री किया हुआ है, एक्स की पावर फाइव बाय फाइव अप टू सो ऑन ऐसे किया हुआ है, एक्स की पावर सेवन बाय सेवन नाइन बाय नाइन, तो आपको पता चल जाएगा ये वाला फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है। तो अभी तो कुछ भी नहीं पुट करना, एक्स इज इक्वल टू जो मैंने आपको बताया ये वाला सारा इसके अंदर पुट कर देंगे, माइनस टू इधर पड़ा है तो इसको इधर ले आएंगे, एक्स को इधर पुट करेंगे तो ये वाला सारा टर्म आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस मतलब इसके इक्वल मेरा क्या आ जाएगा, माइनस वन बाय टू लॉग वन माइनस एक्स, एक्स मेरा क्या बन जाएगा एम माइनस एन और एम प्लस एन अपॉन में वन प्लस एक्स मतलब एम माइनस एन एम प्लस एन, ठीक है, समझ गए बात को। अब इसको आप सोल्व कर लेना, ये आपकी ड्यूटी है। माइनस वन बाय टू मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉग टू एन अपॉन में टू एम, टू से टू कैंसिल हो जाएगा एन एम आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वन बाय टू लॉग एन अपॉन एम है और माइनस का बार पड़ा हुआ है, माइनस ऊपर चला जाएगा उसमें, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा एन अपॉन एम के ऊपर माइनस वन चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वन बाय टू लॉग एम बाय एन हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूँ इसके अंदर तो डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ द सीरीज वन का क्यूब टू का क्यूब थ्री का क्यूब अप टू सो ऑन एन का क्यूब, इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं था, डायरेक्ट होता है एन इंटू एन प्लस वन बाय टू सारे का स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। फिर भी अगर आप ये फॉर्मूला भूल गए, मैंने आपको करवाया हुआ नेचुरल सम का स्केयर, नेचुरल नंबर का सम क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, इस टाइप से नेचुरल नंबर के स्केयर्स का सम क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन, इस टाइप से अपॉन में सिक्स आ जाता है, ऐसे ही क्यूब का भी मैंने आपको करवाया हुआ है। तो अगर आप फिर भी भूल जाओ तो कोई भी दो टर्में उठा लिया करो, ठीक है, दो टर्में या तीन टर्म, ठीक है, कोई भी दो टर्म उठा ली तो वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, दो दिन चार दिन आठ और एक नौ आ गया, तो यहाँ फर्स्ट टर्म में पुट करके देखो टू, ठीक है, क्योंकि दो टर्में उठाई थी, टू प्लस टू प्लस वन थ्री हो जाएगा अपॉन में टू सारे का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू से टू कट जाएगा, तीन तीन नौ, बिल्कुल सेम है, इसका मतलब फर्स्ट आंसर ही करेक्ट है, बाकी किसी में ये नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो फिर हम थर्ड टर्म तक लेंगे, जो कंट्राडिक्ट होगा वो काट देंगे, बाकी जो होगा मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11। द वैल्यू ऑफ 3 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 12 अप टू सो ऑन 3n इंटू 3n प्लस 3। ये 3n, ये जो लास्ट के अंदर दिया हुआ है ना, ये दे भी सकते थे नहीं भी दे सकते थे, या आप अपने अपने अकॉर्डिंग बनाना होता है इसकी लास्ट टर्म, tn टर्म, nth टर्म क्या होगी, ठीक है। तो ये आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अब इसका सम निकालना है। अगर आप ट्रेडिशनल वे से जाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो है ना मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना, मतलब कि अगर हम देखें, बट मैं आपको इजी वे बताऊंगा इसका क्या करना पड़ेगा। एस एन इज इक्वल टू यहाँ पे
क्या करना पड़ेगा, ये nth टर्म का जो है सम निकालना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 9n स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 9n, समझ रहे हो बात को। तो ये चीज़ आ जाएगी, फिर n स्क्वायर का, n का अलग अलग जो है समेशन आप कर दोगे, 9 टाइम n स्क्वायर का समेशन और 9 टाइम n का समेशन। n स्क्वायर का समेशन आपको पता ही है, n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस 1 अपॉन में 6 प्लस में 9 इंटू एन का क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई में 2, समझ रहे हो बात को। तो इसको सोल्व करोगे आपका आंसर आएगा, बट ये ट्रेडिशनल मेथड है, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। उसमें क्या करना पड़ेगा, n को मैं ना 2 पुट कर देता हूँ, 2 पुट कर देता हूँ तो nth टर्म मेरे पास क्या आ गई, मतलब लास्ट टर्म मेरे पास क्या आएगी, 3 दूनी 6 और 3 दो थी 6 और 3 9, मतलब 6 इंटू 9 आई ना, तो लास्ट टर्म मेरी 6 इंटू 9 आई, तो ये लास्ट टर्म मतलब पहली दो टर्म का हमें सम निकालना है जब n इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे छेती 18 प्लस 54, ठीक है ना, 8 4 12 2 1 5 1 6 7, 72 मेरा आंसर आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में मैं ट्राई करता हूँ 2 पुट करके, 2 3 6 और 2 1 3 और 2 2 4, ठीक है, 6 3 18 4 72 72 आ गया, बाकी किसी में भी 72 नहीं आ रहा, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट है, समझ रहे हो बात को, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट है। ऐसे आपको पेपर के अंदर करना है क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द सीरीज, समेशन दिया हुआ है, माइनस वन से आर है, 2r-1 सारे का क्यूब है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आप खुद से भी पहले ट्राई किया करो, उसके बाद वीडियो को देखा करो उसका सलूशन, क्योंकि खुद से ट्राई करोगे तभी तो आपका माइंड जो चलेगा, तभी माइंड चलेगा तो तभी पेपर के अंदर भी आपका माइंड चलेगा, तो परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रहेगी। तो इस क्वेश्चन को भी आप जो है ना अलग अलग मेथड से कर सकते हो, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताया, इस टाइप से आप खोल सकते हो, ऐसे इसके अंदर भी जो है ना आप इसे ओपन कर सकते हो, ठीक है, इसका क्यूब खोल करके इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम देखें तो समेशन r इज इक्वल टू 1 से 2n-1 की पावर r, और इसका क्यूब कर दोगे तो 8r³-1-3 × 2r 2r-1, ये आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, ठीक है ना, a माइनस b सारे का क्यूब का। तो इसको फिर अलग अलग आप सोल्व करो, एक तो ये मेथड है, एक और इजी वे मेथड शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक, इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या लग सकती है, यहाँ देखिए r इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले मैं 1 पुट करता हूँ, तो माइनस 1 की पावर r इज इक्वल टू, मैंने 1 पुट कर दिया, माइनस 1 की पावर 1 मतलब माइनस का ही आएगा, तो 1 पुट किया 2-1 1 1 का क्यूब, तो यहाँ पे मेरा जो है, तो अब एक चीज ध्यान देने की बात है, अभी क्या है नेक्स्ट क्या आने वाला है, क्योंकि n इज इक्वल टू r इज इक्वल टू मैंने 1 पुट किया है, तो r 1 से तो 2n तक हमने जाना है, है ना, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ हमारे से गलती हुई है, गलती हुई है तो बहुत अच्छी बात है, आपसे नहीं होगी, क्योंकि कभी कोई भी एक्सेप्ट करता है ना कि मेरी गलती हुई है, तो वो गलती आपको हमेशा याद रहती है। तो r इज इक्वल टू 1 से तो स्टार्ट होना ही है, 2n तक जाना है, तो n इज इक्वल टू हम पुट करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, n इज इक्वल टू मैंने 1 पुट किया, तो ऊपर 2 आ गया, 1 से 2 तक जाएगा, समझ रहे हो बात को, ऊपर 2 आ गया, 1 r इज इक्वल टू 1 से 2 तक जाएगा, तो मतलब पहले r को 1 पुट करना है फिर 2 पुट करना है, 1 पुट किया तो ये आया, 2 पुट किया तो यहाँ पे देखिए माइनस 1 की पावर 2 और 2 2 4-1 3 3 की पावर 3, तो यहाँ पे आया माइनस 1 प्लस का 27, तो आया 26, n इज इक्वल टू 1 पुट करने पे आया 26, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन फर्स्ट में अब पुट करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में मैं पुट करता हूँ, एक सेकंड, यहाँ से हम ले आते हैं इसको इधर, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में n इज इक्वल टू मैं 1 पुट करके देखता हूँ, तो 2 आया और 16 और 3 19 आया, ठीक है, तो 38 आ गया, तो ये मेरा इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ देखिए फिर से क्या आ गया, 2 और 16-3 13 13 2 26 आ गया, और यहाँ भी देखिए 2n है, तो n को 1 पुट करने से कोई जो है यहाँ भी स्केयर था, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि n 1 है, तो यहाँ भी 26 आएगा और यहाँ 26 नहीं आएगा, तो ये दो ऑप्शन रिजेक्ट हो गए साफ साफ, तो मतलब या तो आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी या हो सकता है ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट जैसे ही n इक्वल टू 2 पुट करेंगे यहाँ पता चल जाएगा, क्योंकि अंदर वाली टर्म तो इनकी सेम है, 16n² -3, बाहर वाली टर्म
टू भी सेम है, सिर्फ एन और एन स्केयर का फर्क है। तो यहाँ पे फर्क पता चल जाएगा क्योंकि एन इज इक्वल टू वन पे तो दोनों का फर्क पता नहीं चल रहा ना, स्केयर को चाहे वन का स्केयर करो चाहे क्यूब करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एन इज इक्वल टू, अब हमने टू पे ट्राई कर लिया, ठीक है, तो यहाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ एन इज इक्वल टू टू पे। टू पे जब मैं इसको ट्राई करूंगा तो ऊपर यहाँ देखिए दो दूनी चार, तो वन से लेके फोर तक जाएगा, ठीक है, तो आप करके देख लेना, ठीक है, मैंने पहले से किया हुआ, तो मेरा आंसर आएगा 244, आप पुट करके देख लेना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में जब मैं पुट करता हूँ तो वो नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर सी में पुट करता हूँ तो एन इज इक्वल टू टू पुट करके देखिए, दो दूनी चार और दो दूनी चार 16 में 144 माइनस तीन, चार गुणा 141, तो यहाँ हो गया चार, यहाँ पे फिर पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा मिस्टेक हो रही है आज, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ देखिए हमने टू पुट किया तो दो दूनी चार आया और 16 गुणा 4 माइनस तीन, तो यहाँ पे आया 4 × 64 माइनस 3 61 हो गया, तो 4 × 4 = 24, 244 आंसर मेरा क्या आया, सेम इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इफ़ मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन वन है द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, इस इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 factorial है 2 factorial है 3 factorial है, तो इनको हम एक बार एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा के अलग कर देंगे, और 1 1 1 यहाँ पे है तो इनको अलग कर देंगे, तो दोनों को मैं अलग करके जो है सीरीज क्रिएट कर लेता हूँ, कौन सी आ गई मेरी x + 1 factorial, ठीक है, 1 factorial अपॉन में जो है 2 का factorial है इनटू में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का factorial अपॉन में क्या है 3 का factorial इनटू में एक्स क्यूब प्लस में 3 का factorial 4 का factorial x^4 और क्या बनेगी मेरी 1 upon 2 factorial इनटू में एक्स स्क्वायर और 1 upon 3 factorial इनटू में एक्स क्यूब प्लस 1 upon 4 factorial इंटू में x^4 और सो ऑन। तो यहाँ पे मेरे पास दो सीरीज आ गई, अब इन दो सीरीज को हमने देखना है कि इसका सम जो है मेरा क्या बनने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे x^2 है, x³/3 है, तो यहाँ पे मेरी ये जो फर्स्ट सीरीज बनने वाली है, एक सेकंड यहाँ से ले आते हैं हम, ठीक है, फर्स्ट सीरीज जो मेरी बनने वाली है वो x + x^2 ही होता है और x³/2 नीचे से कटेगा तो सिर्फ क्या बचेगा 3 बचेगा, है ना, और x^4 3 factorial कटेगा तो सिर्फ क्या बचेगा 4 up to 7। और नीचे वाला देखिए ये क्या आ रहा है मेरा प्लस में x² / 2 factorial x³/3 factorial x⁴/4 factorial up to 7, ठीक है, समझ की बात। अब जो है दो फॉर्मूलाज मैंने आपको करवाए थे, कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। एक तो था, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, e^x क्या होता है 1 + x + x²/2 factorial x³/3 factorial up to 7, ठीक है। और एक मेरे पास था log 1 - x था माइनस एक्स, सारे माइनस के होते थे, -x²/2 - x³/3 -x⁴/4 up to 7, ठीक है ना, अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखिए इसमें से कौन सी दोनों में सिमिलर आ रही है, तो आप ध्यान से देखेंगे e^x के साथ में एक्सपेंशन में क्या आता है 1 + x + x²/2 factorial, यहाँ देखिए x²/2 factorial x³/3 factorial x⁴/4 factorial, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ 1 और x नहीं आ रहा, बाकी सारे आ रहे हैं। अगर ये वाला x मैं इसके साथ ले आऊँ, ऊपर वाला जो x है मैंने क्या किया वो इसके साथ ले आया x, तो यहाँ पे सिर्फ किसकी कमी है 1 की कमी है, तो मैं क्या करता हूँ इस सारी सीरीज के साथ 1 को ऐड कर देता हूँ और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये सीरीज अभी मैं बाद में निकालूंगा, ये सीरीज मेरी क्या आ गई 1 को अगर मैंने ऐड कर दिया तो e^x आ गई, समझ रहे हो बात को, और माइनस का 1 आ गया क्योंकि प्लस का 1 तो इसके साथ ही चला गया ना, समझ रहे हो बात को। तो अब जो ऊपर वाली सीरीज बची मेरे पास क्या है x²/2 x³/3 x⁴/4, यहाँ देखिए x²/2 x³/3 x⁴/4, बट माइनस का सिंबल आ रहा है साथ, तो माइनस टाइम log 1 - x हो जाएगा इससे,
बट आप बोलोगे यहां पे ना एक्स स्क्वायर बाय टू है, यहां एक्स माइनस एक्स की कमी है, तो यहां हम क्या करते हैं इस सीरीज के साथ माइनस एक्स प्लस एक्स कर देते हैं, तो माइनस एक्स को इसके साथ ही चला जाएगा, सिर्फ प्लस का एक्स बचेगा, तो यहां पे प्लस का एक्स आ गया। ठीक है, अब जो है ये क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है तो कुछ भी छोटा मोटा एक्स ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, तो या तो आंसर के अंदर आप ये ढूंढिए कि इन दोनों को मिलाकर के आंसर बने, है ना, आंसर क्या बनेगा मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर मेरा क्या बना, e की पावर x माइनस वन माइनस log वन माइनस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर देखिए, e की पावर x माइनस log वन माइनस एक्स, ठीक है, माइनस वन भी है यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस वन भी था ना, ये वाला माइनस वन, तो ये मैं भूल गया यहाँ पे लगाना, तो ऊपर अब लगा देते हैं एक बार, माइनस वन माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस वन नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, तो यहाँ e की पावर x प्लस का है, प्लस का तो नहीं है, ये भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ माइनस का है और माइनस का वन है साथ में, ये प्लस का, ये भी रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बचता है क्योंकि नन ऑफ दिस तो है नहीं, तो e की पावर x माइनस टाइम ये आ गया सारा और माइनस वन आ गया सारा, बट x जो है ना वो एक्स्ट्रा आ गया, x जो है मेरा एक्स्ट्रा आ गया, तो x इसके अंदर से एक्स्ट्रा आया था, तो ये सीरीज इनफाइनाइट सीरीज है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक x को अगर हम रिमूव भी कर देते हैं, नेगलेक्ट भी कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अदरवाइज नन ऑफ दीज आंसर होता तो नन ऑफ दीज आता, या ये वाला आंसर होता तो ये वाला आता। ठीक है, इफ ए बी सी आर सेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अगर ए बी सी सेट हैं तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, इसमें तो बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे आप कर लो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, वैसे तो आपको पता ही होगा कि ये कैसे खुलता है, ये कैसे खुलता है, ये कैसे खुलता है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ए बी सी वेन डायग्राम से ले सकते हो ए बी सी, तो यहाँ पे आप देखिए ए का यूनियन है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, बी और सी का इंटरसेक्शन, यहाँ देखिए बी और सी का इंटरसेक्शन, ये पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा पोर्शन, ठीक है, और उसका यूनियन किसके साथ है, ए के साथ, तो ए मेरा पूरा का पूरा ये वाला है, ए पूरा का पूरा ये वाला है, तो उसके साथ ये वाला आ गया, तो यहाँ पे मेरा ये सारा बन गया, ये वाला सारा बन गया, वो किसके इक्वल कह रहा है, ए यूनियन बी के, ए और यू दोनों का यूनियन जो है उसके साथ इंटरसेक्शन हो जाए सी का, ठीक है ना, तो वो तो सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा, मतलब कहने का ये है सिर्फ ये वाला पोर्शन वो बचेगा, तो ये वाला पोर्शन कहाँ गया, इसका मतलब ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन आंसर होगा, तो आप देख सकते हो ये वाला कैसे होगा, ए बी सी, ए बी सी, बी और सी का इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन ये वाला बनता है, बी ये वाला है, सी ये वाला है, ये दोनों हो गया, मतलब कि अगर हम देखें ये वाला हो गया पोर्शन। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है, ए के साथ इंटरसेक्शन, ए ये वाला मेरा, उसके साथ इंटरसेक्शन ए के साथ, सिर्फ और सिर्फ मेरा कौन सा पोर्शन आ गया, ये वाला बीच वाला। ठीक है, क्योंकि तीनों का ही इंटरसेक्शन हो रहा है, आप देख सकते हो तीनों का इंटरसेक्शन कौन सा होगा, बीच वाला हिस्सा, और यहां भी तीनों का इंटरसेक्शन ही हो रहा है, तो बीच वाला हिस्सा ही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सम ऑफ द इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज, इतना इस इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालो, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 1/7 का क्यूब, 1/1 जो वाली जो टर्म है ना, ये वाली, इनको हम अलग कर लेते हैं, ठीक है ना, और जो 2/7 स्केयर वाली है उनको हम अलग कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने कर लिया 1/7 प्लस 1/7 का क्यूब प्लस 1/7 की पावर 5 अप टू जोन इन्फिनिटी, और प्लस में मेरा क्या आ गया, 2/7 का स्क्वायर, 2/7 की पावर 4, 2/7 की पावर 6 अप टू जोन इन्फिनिटी। अब आप देखेंगे कि ये कौन सी मेरी जीपी सीरीज बन रही है, तो इसको इससे डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे, कॉमन रेशो क्या आ रहा है, 1/7 का स्क्वायर, है ना, जब भी मेरी जीपी सीरीज बनती है तो यहाँ पे होता है 1, जैसे कि अगर हम देखें 1 प्लस आर स्क्वायर, तो इसमें कॉमन रेशो आर बन रहा है, प्लस आर क्यूब, तो मेरा एस इन्फिनिटी मतलब अप टू इन्फिनिटी टर्म का सम क्या होता है जीपी सीरीज के अंदर, ये कौन सी है मेरी जीपी सीरीज, ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जीपी सीरीज के अंदर क्या होता है मेरा, ए अपॉन 1 माइनस आर,
तो ए मेरा फर्स्ट टर्म मेरा 1/7 है, ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 1/7 ए 1 - r, r मेरा 1/7 का स्केयर आ रहा है, क्योंकि 1/7 के क्यूब को डिवाइड करोगे 1/7 से तो 1/7 का स्केयर आएगा, ठीक है। प्लस में मेरा क्या बन रहा है, ये भी मेरी एक जीपी सीरीज बन रही है, क्योंकि 2 तो 2 से कट ही जाएगा, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 7 का पावर 4 है, यहाँ स्केयर है तो 7 की पावर स्केयर ही आएगा, तो यहाँ भी ए मेरा यहाँ पे चेंज हो गया, ए मेरा फर्स्ट टर्म हो गया 2/7 का स्केयर, पर में 1 - r, ये दोनों सेम है, तो नीचे वाले टर्म तो दोनों में सेम है, 49 - 148/49, ऊपर क्या हो गया मेरा 1/7 + 2/49, ठीक है। अब इसे आप सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 749 और 9/49, 48/49, तो ये कटेगा 9/48, 3 * 9 और 16 * 48, 3/16 मेरा आंसर आया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 1 + 2x + 3x² सारे की पावर 10 है, a0 + a1x + a2x² up to so on a20x की पावर 20, देन इज a1 = देन a1 क्या आने वाला है, मतलब x का कोफिशियंट क्या आने वाला है, उसका मतलब तो यही है ना पूछने का कि x का कोफिशियंट जो a1 है वो मेरा क्या आने वाला है, ये वो ये पूछ सकता था कि x का कोफिशियंट क्या आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले तो ये मेरी सीरीज क्या बन सकती है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरा बन सकता है 1 + x² प्लस में अगर हम देखें तो 1 आ गया, एक्स स्क्र भी आ गया, 2x भी आ गया, तो एक्स स्क्र एक टाइम तो आ गया, 3x² है तो 2 टाइम रह गया, 2x² रह गया, सारे की पावर कितनी 10, तो इस टाइप से ये बन गया x + y सारे की पावर n, हम कैसे खोलते थे ncr, x की पावर n - r और y की पावर r, समझ रहे हो बात को, बाइनोमियल के अंदर हम करते थे। तो यहाँ पे अब देखिए पावर वो क्या कह रहा है, a1 क्या आना चाहिए, मतलब x की पावर तो 1 आनी चाहिए ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा, मतलब जो है ना अपना थोड़ा सा माइंड लगाना होगा, तो ये मेरा पूरा का पूरा x है, ये मेरा पूरा का पूरा y है, 2x², ठीक है। तो यहाँ पे हमें चाहिए x, पावर x की 1 चाहिए, तो ncr, जब 10 cr करूँगा, ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10c0 से स्टार्ट करते हैं, 10c0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता है, 10c0 करूँगा तो 1 + x सारे की पावर क्या बनेगा, 10 - क्या होता है n - r, 10 - 0 10 आ जाएगा, और 2x² सारे की पावर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है ना। और जब मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा 10c1 पे, तो 1 + x की पावर तो आ जाएगा मेरा 9, बट 2x² सारे की पावर क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 + x की पावर 9 एक बार आप छोड़ दो, फिर भी 2x की पावर 2 में टर्म बनेगी और या उससे भी बड़ी बनने वाली है, इसका मतलब बाकी जितनी भी टर्म बनने वाली हैं वो x की पावर 1 से ग्रेटर बनने वाली हैं, इसका मतलब जो भी मेरी टर्म बनेगी वो हमने सारी नेगलेक्ट करनी है, सिर्फ एक ही ऐसी टर्म है जिसमें x की पावर 1 आ सकती है, और उसमें हम देख लेंगे a1 क्या आएगा, है ना। इसको मैं ओपन करूँगा तो 10c1 क्या आएगा, 10 ही आ जाएगा, इनटू में क्या है 1 + x की पावर 10, ये तो पावर 0 है तो 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा मेरा 10 × 1 + x की पावर 10। अब यहाँ देखिए 1 + x का स्केयर था अंदर, तो यहाँ स्केयर लगाना मैं भूल गया, कोई बात नहीं, तो ऊपर पावर कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी स्केयर करेंगे तो, ठीक है। और यहाँ पे जो 10c0 है वो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, क्योंकि हमें पता ही है 10c0 क्या होता है, 10 का फैक्टोरियल अपन में 10 - 0 10 का फैक्टोरियल इंटू में 0 का फैक्टोरियल, तो ये कट के क्या आ जाएगा मेरा 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 1 * क्या आ जाएगा 1 + x सारे की पावर 20, ठीक है। तो यहाँ से फिर से अगर हम देखेंगे, फिर से ये x + y की पावर 20 वाला टर्म बन रहा है, उस टाइप से x + y की पावर n वाला, तो फिर से हम खोलेंगे तो x की पावर 1 कहाँ पे बनेगी, अब फिर से आपको माइंड जो है वहाँ पे घुमाना है, इसको लगाना है कि आ जाएगा मेरा 20c0, 1 की पावर कोई मैटर नहीं करती,
एक्स की पावर मैटर करेगी, एक्स की पावर जीरो प्लस 20 सी वन एक्स की पावर वन। तो ये वाला मेरा टर्म आया, जो भी मेरा आया 20 सी क्या आ जाएगा, 20 एक्स आ जाएगा। तो एक्स का कोफिशेंट क्या आ गया 20, तो ए वन इज इक्वल टू क्या आ गया 20, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द सीरीज विल बी, इतना जो है इनफाइनाइट सीरीज है उसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो सम ऑफ द सीरीज है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक टेन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, आपको पता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स की पावर फाइव बाई फाइव माइनस एक्स की पावर सेवन बाई सेवन अप टू सो ऑन। तो यहाँ लुक लाइक देखो 1/3 आ रहा है, यहाँ 1/3 देखो, 1/5 यहाँ 1/5, बट माइनस प्लस का थोड़ा सा चक्कर पड़ रहा है ना। तो इस सीरीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस सीरीज को मैं एग्जैक्ट क्या लिख सकता हूँ, माइनस टाइम अगर मैं कर दूँ सारा, 1 - 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। तो यहाँ देखिए माइनस का 1 आ जाएगा और बाकी ये 1/3 प्लस का चला जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 1/5 इसके इक्वल आ जाएगा, प्लस 1/7 इसके इक्वल आ जाएगा, तो ये सारे आ जाएंगे। तो माइनस 1 जो है वो एक्स्ट्रा है इसके अंदर, माइनस 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, बट हमें क्या चाहिए, हमें तो प्लस का 1 चाहिए। तो प्लस का अगर मैं 2 कर दूंगा तो यहाँ देखिए जो माइनस का मेरा 1 आएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, तो ये सीरीज दोनों इक्वल होगी, है ना। तो ये सीरीज मेरी एग्जैक्ट क्या बन गई, तो यहाँ देखिए एक्स को अगर मैं 1 पुट करूँ यहाँ पे 10 इनवर्स 1, तो मेरी यही सीरीज सेम बन रही है। तो यहाँ पे आ गया मेरा 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स 1 कब होता है पाई बाय 4 पे, समझ रहे हो। तो ये मेरी सीरीज क्या आ गई, पाई बाय 4 प्लस 2 मेरा आंसर आ गया। तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, ठीक है ना, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा मेरा, पाई बाय 4 प्लस 2। नेक्स्ट देखिए, द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ ई की पावर 3x - 4 मेरा क्या आने वाला है। कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर मुझे निकालना है ई की पावर एक्स के अंदर। तो सबसे पहले तो ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन हम ओपन करेंगे, 1 + x + x² / 2 का फैक्टोरियल प्लस x³/3 का फैक्टोरियल। ज़्यादा आगे तक जाना ही नहीं है, हमें तो एक्स स्क्वायर का ही कोफिशियंट चाहिए सिर्फ, ठीक है ना, उस टाइप से ही चाहिए। बट यहाँ पे वो क्या बनने वाला है वो हमें देखना पड़ेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3e³ - 3x - e⁻⁴, ठीक है ना, e⁻⁴ तो एक कॉन्स्टेंट ही है, तो इसको हमने देखना है। तो e³ पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 1 + 3x + 3x² / 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, अप टू सो जितना भी चलता रहे, इंटू में क्या आएगा e⁻⁴, ठीक है ना, यही आएगा ये जो भी मेरा है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट निकालना है, तो इसका कोफिशियंट आ गया, इसका कोफिशियंट मेरा, मेरे पास यहाँ देखिए ये वाला सारा और इंटू में ये वाला सारा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे आ गया मेरा 9x² / 2 इंटू में e⁻⁴। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या आ गया, 9/2 इंटू में e⁻⁴। ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोफिशियंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना। इस एक्सपेंशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + x⁻⁰ इंटू में 1 - x⁻³, क्योंकि जो नीचे जो भी पावर होती है ना वो ऊपर ले आया करो, उसके बाद उनकी मल्टीप्लाई करवाया करो। इसकी मल्टीप्लाई ये तो आसानी से हो जाएगी, ये आपको दिक्कत आएगी, माइनस है माइनस है। तो इस टाइप के 3 फॉर्मूले मैंने आपको करवाए हुए हैं, वो मैं बता देता हूँ तो आपको याद आ जाएंगे। तो जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे ना उसको करने में आसानी रहेगी। 1 - x² - n होता है एक तो, ठीक है, एक होता है 1 + x² - n, जब अंदर प्लस आ गया, एक बार है अंदर माइनस आ गया, ऊपर मेरा पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ये 3 टाइम के आपको जो है ना हमेशा ध्यान में रखने हैं। 1 + nx, क्योंकि इसके बेस पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, n (n+1) / (2)/(3)³ इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, 3 - 1 - 2 - 3 इस टाइप से भी, क्योंकि फैक्टोरियल है कुछ भी लिख सकते हो अप टू सो ऑन, ठीक है। इसको अलग टाइप से लिखना है तो ऐसे भी लिखा जाता है, 1 + nc1 x + n + 1 c2 x² अप टू सो ऑन, जो भी चलता जाएगा कि n + 2 c3 x³ अप टू सो ऑन, ठीक है ना।
तो यहाँ पे अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है सेकंड वाला जो है मेरा वो क्या हो गया, अब मेरा पॉजिटिव आ गया, अंदर पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव है, तो वन अब पॉजिटिव नेगेटिव चलेंगे, ऊपर वाले में सारे के सारे पॉजिटिव टर्म है, यहाँ पे पहली पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव, अब याद ऐसे रख सकते हो, बाकी सारा सेम है, बाकी किसी में कुछ नहीं करना, बस पॉजिटिव नेगेटिव का जो है ना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अब अंदर नेगेटिव आ गया तो अब पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा, ठीक है, बट यहाँ पे n इंटू एन माइनस वन आएगा अपॉन में 2 का फैक्टोरियल x स्क्वायर, ऊपर वाले दोनों में n इंटू एन प्लस वन एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू, एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू, उन दोनों में सिर्फ प्लस माइनस का फर्क था, क्योंकि दोनों माइनस के तो सारे प्लस के, एक ऊपर माइनस n का तो माइनस प्लस का, अब यहाँ पे एक माइनस का है तो माइनस है, माइनस और प्लस का चलेगा, पहले टर्म प्लस की दूसरी माइनस की, बट यहाँ पे n इंटू एन माइनस वन चल रहा है, समझ रहे हो बात को, ऐसे ही नेक्स्ट में क्या चलेगा, n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, थ्री का फैक्टोरियल एक्स का क्यूब अप टू सो वन चलेगा। अब यहाँ हमारा क्या फॉर्मूला लग रहा है, ये तो देखो दोनों प्लस का है, ठीक है, इन तीनों में से तो कोई भी नहीं है, ये तो सिंपल टेन सी आर वाला फॉर्मूला जो है एक्स प्लस वाई सारे की पावर एन वाला जो है आप लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मेन है प्रॉब्लमेटिक है, माइनस अंदर बाहर भी ऊपर भी माइनस, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो मेरा लगेगा, ठीक है ना, आप ये लगा दोगे तो ये लगा दोगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला तो है वन प्लस एक्स की पावर टेन, तो वन प्लस टेन सी आर मतलब एन सी आर कर दोगे, टेन सी वन एक्स, फर्स्ट वाला वन कैसे है, टेन सी जीरो एक्स की पावर जीरो भी वन आ जाएगा, और यहाँ पे टेन सी टू वन की पावर तो कोई मायने नहीं रखती, तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे अप टू सो वन चलता रहेगा, इंटू में ये सारा इंटू में है, गुणा में क्या है, ये वाला फॉर्मूला जब यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, वन प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर अप टू सो वन, क्योंकि ज़्यादा हमने जाना ही नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ एक्स का कोफिशियंट पूछा हुआ है। अब एक्स के कोफिशियंट के लिए हमें किस किस चीज़ जरूरत है, एक तो वन को मल्टीप्लाई करवाएंगे थ्री एक्स से, तो थ्री एक्स आ गया, और एक्स स्क्वायर वाले टर्म तो सारी नेगलेक्ट ही कर देंगे, यहाँ वन वाले टर्म है, ये वाले टर्म है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो टेन सी वन आ जाएगा, ठीक है, इंटू में एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री प्लस टेन सी वन, क्या होता है मेरा टेन ही होता है, इंटू में एक्स आ गया, तो आ गया मेरा आंसर थर्टीन, इसका कोफिशियंट क्या आ गया, मेरा थर्टीन आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, अब इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस टाइप का एक चीज़ मैंने पहले आपको करवाई हुई है कि जब हमने ऐसा किया था, आपको याद होगा हमारे पास समेशन के अंदर आया था, जैसे n की पावर 4 बाय n का फैक्टोरियल, वो हमने 15e निकाला था, आपको याद होगा n क्यूब बाय n का फैक्टोरियल समेशन में हमने 5e निकाला था, ठीक है, और n स्क्वायर बाय n का फैक्टोरियल जब समेशन में हम निकालते हैं, तो ये बार बार मैं करके नहीं दिखाऊंगा, मैंने आपको निकाल दिया था, और ज़्यादातर इसी में से ही आपका बन जाता है, एन स्क्वायर एन क्यूब एन की पावर फोर मतलब पावर टू पावर थ्री पावर फोर, ये तीनों याद रख लो, आपको हमेशा जो है ना आपको बेनिफिट ही करने वाले हैं ये। और देखो सिंपल सा है, टू है तो टू ई है, थ्री है तो फाइव ई है, और फोर है तो फिफ्टीन ई है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, देखो वन प्लस थ्री दो है तो एक तीन आ गया, तीन है तो एक तीन पाँच आ गया, तीन आ गया, चार है एक तीन पाँच सात, चार बार आ गया, तो यहाँ पे लुक लाइक क्या बन रहा है, अगर मेरी एनएस टर्म में चेक करूँ, वन प्लस थ्री प्लस फाइव अप टू सो ऑन, एन बन रहा है, एन मतलब मेरा ओड टर्म बन रही है, ठीक है ना, ये मेरी ओड टर्म है, तो यहाँ पे नीचे क्या है, n का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 3 का 4 का अप टू सोन, तो ओड टर्म का सम क्या होता है, n स्क्वायर, आपको पता ही है, स्क्वायर करके देख लो, चाहे तीन एक चार दो टर्म का स्क्वायर है, तीन टर्म का स्क्वायर पाँच तीन आठ एक नौ, तीन तीन नौ, नीचे क्या है मेरा n का फैक्टोरियल, इसका क्या करना है समीशन, तो यहाँ देखिए एन स्क्वायर अपॉन में एन का क्या आता है मेरा 2e, तो डायरेक्ट मेरा आंसर क्या आया 2e, ऑप्शन नंबर सी, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है पेपर के अंदर, तो इस टाइप से आप ध्यान में रखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का लेक्चर? उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी सारे लिंक दिए गए हैं अलग अलग, जो भी हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं उनकी डिटेल के अंदर अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएंगे उन चैप्टर्स के, वो आप देख सकते हो। और मिशन डिटर प्लस भी एप्लीकेशन पर अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो अलग अलग, जैसे कि अभी तो EMRS का भी स्टार्ट हो चुका है, DSSB का है, KVS का है, NVS का है, ठीक है, HTET का है, UP के हैं, TSTPST मैथमेटिक्स के स्क्रीनिंग के एग्जाम्स हैं। तो अलग अलग स्टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो TSTPST मैथमेटिक्स लेवल पे तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिशन DSSS भी है, जो कि ओनली मैथमेटिक्स ही जो है हम करवाते हैं TST और PST मैथमेटिक्स लेवल, जो कि 9th 10th प्लस वन प्लस टू ग्रेजुएशन MSc तक जो है ना हम सारी चीज़ें ये कवर करते हैं। उसके बाद और उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर है, PDF फाइल्स हैं, टेस्ट सीरीज है, फुल एंड टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन डिटेल्ड के अंदर, ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन, और उसके साथ साथ डेली डाउट सेशन रहता है, कोई भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर तो दिख ही गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको नंबर।